हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज ईद का दिन है, मेरी तरफ से आप सभी को ईद मुबारक। अभी मुझको तैयार भी होना है, अभी तैयार मैं हुआ नहीं हूँ। 7 बजे जाना है ईद की नमाज़ पढ़ने। आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊंगा जहाँ हम लोग जाएंगे ईद की नमाज़ पढ़ने ईदगाह। अब मैं तैयार हो लूँ, टाइम भी हो गया है ज़्यादा। तो फ्रेंड हम लोग तैयार हो चुके हैं, जा रहे हैं ईदगाह ईद की नमाज़ पढ़ने। अब आज अच्छा दिन है, बहुत ईद का दिन है। आप लोग वीडियो में बने रहिए, हम लोग आप लोगों को सब कुछ दिखाएंगे जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं उनकी नमाज पढ़ने। दोस्तों हम लोग आ गए हैं जहाँ ईद की नमाज होगी हम लोगों की। अभी मैं आप लोगों को सब दिखाने वाला हूँ, आप लोग देखिएगा। उनकी मेहरबानी थी कि ये आलम पसंद आया। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अरे बेटे घबराओ नहीं, अल्लाह के रसूल उसी पकड़ते हैं, बच्चे उसी पकड़ करके ले जाते हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाते हैं, आयशा ये सफ़ें बिगड़ गई है उनको दुरुस्त कर ली। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सफ़ों में इंतज़ार पैदा इसलिए होता है कि आप लोग पीछे खड़े होते हैं और एक बैग आकर के बेढंगे तौर पर खड़े होते हैं। सब गड़बड़ हो गई है, सबको सीधी करिए, सबको सीधी करिए,
होने जा रही है। जिसे तरा भी नहीं पड़ा घर जी भे दादा घर जी ना तुम खाड़ी हो जाओ ठीक ना अबे रुक जाओ ठीक ना बेटा